Sir, can we start? Is it audible? Okay. So, a very good morning. Oh, sorry. A very good evening to one and all here. It's a great honor for me to be a moderator of today's Sage Talk. I'm grateful to our respected CMD sir and ED madam for giving me the opportunity to introduce a person who is very well known for his oratory skills and effectively delivers motivational and inspirational talks on various subjects. Professionally, he owns tax law firms and works as a tax consultant. He provides financial services to many international organizations like Citibank, HSBC, GE Capitals, Barclays, HDFC Banks, etc. He is also serving as the Secretary of National Council of Sri Satya Sai Schools in India. Since school days, he had been taking part in allocation contests, debates, dramas, and has been awarded a national prize. He has also represented his schools and university in cricket and basketball teams. With his intense knowledge, I request Tribhuvan sir to enlighten us in the direction of better living and right thinking. We all welcome you, sir. Good evening, everybody, respected teachers, dear students. First and foremost, I offer my most prayerful salutations to God Almighty, without whose blessings nothing moves here. बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं आज आप सब से मुखातिब हो रहा हूं और आप सब मुझे सुनने के लिए यहां आए हैं. जो सब्जेक्ट मुझको दिया गया है वो एक इस किस्म का सब्जेक्ट है जो हमारे जीवन से कहीं भी अछूता नहीं रहता. एंड दैट इज The art of better living. आप अपने आसपास नजर घुमा के देखिए, क्या हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. जब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत लाजमी जवाब है और वो यह है कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है. हर व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत करता है, काम करता है, अपने गोल्स परस्यू करता है और उसका एक ही एम होता है कि एट द एंड ऑफ द डे माय लाइफ शुड बिकम बेटर. अब ये जो बेटर कॉन्सेप्ट है, पहले तो हम ये समझे कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या कला हमें सीखनी चाहिए या उसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा. उसको समझने से पहले हम कोशिश करते हैं कुछ मिनट्स में यह समझने की कोशिश करें कि ये बेटर शब्द जो है, यानी कि बेहतरीन, अपने जीवन को बेहतर बनाना, तो इसको कैसे बेहतर बनाया जाए और क्या बेहतर बनाया जाए, प्रश्न यह उठता है. तो बेहतर हर चीज को जीवन में दो टाइप से बनाया जा सकता है. एक होता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में और एक होता है क्वालिटेटिव टर्म्स में. तो हम दोनों को डिफाइन करेंगे. व्हाट आर द वेज टू मेक योर लाइफ बेटर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली. वैसे एक चीज मैं आपको जीवन में बोलूं, हर जो व्यक्ति यस मैम शैल आई कम क्लोजर ओके हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है
तो आप देखेंगे कि आपके जीवन, जब आपका जीवन बेहतर बन जाता है, जब आप चाह रहे हैं कि आपका जीवन बेहतर बने, तो कौन वो लोग होते हैं जो आपसे खुश होते हैं सबसे ज्यादा? तो आप ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, बात जरूर याद रखिएगा, एक होंगे आपके माता पिता, जो जब आप उनसे आगे बढ़ जाएंगे तो उनको बहुत खुशी होगी कि हमारा बेटा या हमारी बेटी हमसे जीवन में आगे चले। और दूसरे होंगे वो आपके शिक्षक होंगे, आपके गुरु होंगे। इन लोगों को बहुत खुशी होगी कि मैंने जिस छात्र को पढ़ाया या जो छात्र मेरे साथ में सीख करके गया, वो जीवन में बहुत आगे चला गया और वो जीवन में आगे जा करके अपना जीवन सार्थक कर रहा है और अपना नाम रोशन कर रहा है। तो हम समझे पहले इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, हाउ डू वी मेक आवर लाइव्स बेटर क्वांटिटेटिवली, वो बहुत इजी है समझना। और क्वालिटेटिवली हमको जो आगे बढ़ना है उसके लिए हमें क्या करना है, आई थिंक आई विल रिक्वायर अ लिटिल मोर टाइम। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड हाउ टू मेक आवर लाइव्स बेटर क्वांटिटेटिवली, यानी जिसे कहते हैं कि हमको अगर तुलनात्मक रूप से अपना जीवन बेहतर बनाना हो तो क्वांटिटी क्वांटिटी, जैसे आप देखिए, आप एक इसमें इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि मैन इज अ बंडल ऑफ वॉन्ट्स, नो सूनर डज जस्ट वन वॉन्ट गेट सैटिस्फाइड द अदर वॉन्ट कम्स अप। तो होता क्या है, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना जीवन जीते हैं। हम जब स्टूडेंट होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमारे पास केवल एक साइकिल होती है और हम उस साइकिल से कितने खुश होते हैं कि ये साइकिल मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जैसे ही हम सीनियर क्लास में आते हैं तो हमें लगता है काश मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती तो मेरे को आना जाने में कितनी सहूलियत होती, प्लस लोगों पर इंप्रेशन अच्छा करता है कि मैं मोटरसाइकिल पर आ रहा हूँ। आप थोड़े से और बड़े होते हैं, देन यू वॉन्ट टू अपग्रेड योर मोटरसाइकिल, आपका कहीं जॉब लग गया, यू से कि भाई ये तो पहले छोटी सी मोटरसाइकिल थी, हीरो होंडा थी, आई लाइक टू हैव अ बुलेट। उस पर एक आदमी बैठता है तो जचता है और क्या आवाज आती है बुलेट मोटरसाइकिल की। सो यू हैव सम काइंड ऑफ अ ही मैन इमेज इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ और आप चाहते हैं कि इस टाइप की मोबाइल मेरे पास में आए। ओके, आप वो बड़ी मोबाइल ले लेते हैं, कुछ समय के बाद आपकी शादी हो जाती है, यू स्टार्ट अ फैमिली, देन यू से कि नहीं यार अब ये मोटरसाइकिल वगैरह चलाने की एज निकल रही है। ठीक है, शौकिया रूप से मोटरसाइकिल होनी चाहिए, पर क्या ही अच्छा हो अगर मेरे पास में एक बढ़िया बेहतरीन मारुति कार हो। ओके, यू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, यू बाय अ मारुति कार। अब आपने मारुति कार परचेज कर ली, नाउ विद दिस मारुति कार यू आर प्रीटी हैप्पी, बट एज यू मूव इन लाइफ अहेड यू से कि यार मारुति कार तो सबके पास में, ये तो एंट्री लेवल कार है, काश मेरे पास में एक फोर्ड कार हो जाती। आप कहते हैं चलिए ठीक है, यू मूव फर्दर अहेड, आप एक फोर्ड कार ले लेते हैं। तो देखिए आपके जीवन का सफर पहले पैदल चलने से शुरू हुआ, साइकिल पर आया, मोटरसाइकिल पर आया, नाउ इट्स गॉन ऑन टू अ प्रीमियम सेगमेंट कार, और आपको फोर्ड के बाद लगता नहीं मेरे पास तो अपनी खुद की एसयूवी होनी चाहिए, एंड प्रेफरेबली दैट स्मार्ट एसयूवी जिसमें देखूं तो पीपल शुड टर्न बैक एंड सी केयर भाई किसकी कार है, कौन जा रहा है। ओके, आप अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप एक दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, आपने एक एसयूवी ले ली। अब एसयूवी लेने के बाद में आपको लगता है भाई एसयूवी तो बहुत लोग चला रहे हैं, काश मेरे पास में एक बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज हो या एक ऑडी गाड़ी हो। अब ठीक है, यू आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है, यू वांट टू मेक बेटर, सो यू फील प्रोबेबली इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, व्हेन आई मूव अप इन लाइफ, व्हेन आई लीव अदर थिंग्स एंड देन दैट इज द वे आई कैन मेक माय लाइफ बेटर। फेयर इनफ, यू गो एंड बाय योरसेल्फ अ लवली मर्सिडीज और एन ऑडी और अ बीएमडब्ल्यू, and then you feel probably you have arrived, that you rub shoulders with all the who's who in Bhopal, in Indore, in Madhya Pradesh, wherever you go. So aapko ek sense of achievement lagta hai. Fir uske baad mein aapko lagta hai, bhai main cream de la cream mein pahunch gaya hoon, to I must have ek helipad hona chahiye mere ghar ke upar, ek private helicopter hona chahiye, aur airport par ek mera private jet hona chahiye, ताकि मुझे जब जाना हो आना हो मुझे अपने प्रोग्राम के हिसाब से, जैसे ही सेज यूनिवर्सिटी से निकलूं सीधे एयरपोर्ट पर जाओ, डैश करो और वहां से जहां जाना है वहां निकल जाओ। सो यू नो यू विल कीप ऑन मूविंग। सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हम अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करते हैं तो जीवन बेहतर बनाने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आराम की वस्तुओं को एकत्रित करना और यह सोचना कि ये मुझे खुशी देंगी, और उसकी खुशी बहुत लॉन्ग लिव्ड नहीं होती। ये खुशी होती है, यू गेट सम हैप्पीनेस, बट देन अल्टीमेटली दैट हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड। आपके लिए एक टॉय होता है, इट्स लाइक अ बिग बॉयज टॉयज,
आपको एक चीज अच्छी लगती है, कुछ टाइम के बाद यू 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 गेट ओवर इट, यू प्रॉब्ली वॉन्ट अनदर टॉय, यू प्रॉब्ली प्ले विद इट, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. तो ये वो चीज होती है. और कुछ लोगों में क्या होता है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के चक्कर में, लाइफ को बेहतर बनाने के चक्कर में वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आ जाते हैं. वो सोचते हैं अगर उसके पास में दो बंगले हैं, एक फार्म हाउस है, तो मेरे पास तो सिर्फ एक बंगला और एक गाड़ी है, तो आई मस्ट ऑल्सो हैव टू बंगलोज, वन इन दिल्ली, वन इन भोपाल, एंड प्रॉब्ली वन इन अ फार्म हाउस समवेयर. तो यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ्स. तो क्या होता है जब आप इस चूहा दौड़ में, दे कॉल इट इन इंग्लिश द रैट रेस, व्हेन यू गेट इनटू दिस रैट रेस, यू रियली डू नॉट टर्न आउट एंड मेक योर लाइफ एनी बेटर. यू डोंट कम आउट अ हैप्पी मैन. आपके जीवन में एक वैक्यूम सा हो जाता है. आप कर तो सब कुछ रहे हैं, पा तो सब कुछ रहे हैं, पर वो जो इल्यूसिव खुशी है, जो सैटिस्फैक्शन है, जो आप बेटर चाहते थे आपकी लाइफ, वो बेटर कहीं बन नहीं पा रही. मुझे एक बहुत सुंदर वाकया याद आ रहा है. एक मेरे एक फ्रेंड थे, एक स्टोरी है, एक एग्जाम्पल है जिसको मैं फ्रेंड के रूप में फर्स्ट टर्म्स में बता रहा हूँ. एक फ्रेंड थे, उनकी अपने भाई से बिल्कुल नहीं बनती थी. उनका एक कजन ब्रदर था, वो उनके घर के सामने ही रहता था, और उनको यह लगता था कि माई ब्रदर इज ऑलवेज डूइंग बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग. जब वो कोई गाड़ी लेके आता था तो बड़ा भाई उनका उससे बेहतर गाड़ी लेता था. जब ये अपना मकान के ऊपर पेंट करते थे तो लगता था कि उसके बड़े ब्रदर का मकान का डिजाइन और बेटर है. तो हमेशा अपने ब्रदर से कंपीट करता रहता था कि हाउ टू आउटडू माई ब्रदर. अब उसको मन में आता है एक बार कि भाई मैं भगवान की तपस्या करूं, और अगर भगवान मुझसे कुछ वरदान मांगे तो मैं क्या मांगूंगा. तो बोलते मैं यही मांगूंगा कि जो भी कुछ मैं हूं, आई शुड बिकम बेटर देन माय ब्रदर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर ही ओन्स, आई मस्ट हैव बेटर. अब एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और भगवान उसको बोलते हैं, तुम क्या वर चाहते हो मांगो. तो आदमी कहता है, साहब मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी बनना है, सबसे रईस आदमी बनना है, सबसे सुखी आदमी बनना है. गॉड हियर्स हिम आउट. गॉड कहते, ठीक है, तुम जो चाह रहे हो तुमको मिल सकता है, पर इसमें एक शर्त है, एक प्रोविजियो है. हम लोग लॉयर्स है ना, तो जब भी कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसके लिए एस्केप रूट होता है, एक प्रोविजियो होता है, यस बट. सो बोले बट यस आई विल डू इट, बट देयर इज अ पॉइंट इन दिस, कि तुमको जो भी मिलेगा उसका डबल जो है वो तुम्हारे सामने रहने वाले भाई को मिलेगा. तो बताओ क्या तुमको मंजूर है. वो आदमी खुश हो जाता, कहता ठीक है साहब, उसको मिले मिले, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो मिल रहा है ना. तो सबसे पहली विश करता है कि मेरा ये जो छोटा सा मकान है, यह एक 20,000 स्क्वायर फीट के बंगलों में तब्दील हो जाए, और ऐसा लगे मान लो एक बेहतरीन महल हो, और लगे कि कोई राजा रह रहा है. और एक पलक झपकते ही उसका जो छोटा सा मकान होता है वो एक बेहतरीन बंगलों में बदल जाता है, एक पैलेस में बदल जाता है. और जब वो पैलेस में जाकर के देखता है तो जिसे कहते हैं फूला नहीं समाता, भगवान को मनी मन धन्यवाद देता है कि भगवान आपने तो मेरी बात पूरी कर दी, एंड आपने मुझे तीन वरदान दिए हैं. पहला, मैंने आपको इतना बड़ा मकान मांग लिया, पर जैसे ही अपनी बैल्कनी में आके खड़ा होता है तो देखता है कि सामने जो भाई का मकान है वो उससे भी बेटर, उससे भी बड़ा और उससे भी बेहतरीन बना हुआ है. तो उसका दिल छोटा हो जाता है, कहता है मैंने क्या चाल में फंस गया भगवान की, कि उन्होंने कहा कि व्हाटएवर आई गिव यू योर ब्रदर विल गेट डबल. तो उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसको भी मिले, मुझे तो मिल रहा है. अब इसके बाद वो बोलता है कि मुझे कम से कम भोपाल का सबसे रईस आदमी बना दिया जाए, और मेरे पास इतना पैसा हो, इतना पैसा हो कि मुझे रखने की जगह समझ में नहीं आए. अब वो ये बोलता है और अचानक उसके कमरों में गोल्ड की, जिसे कहते हैं, मोहरें गिरनी शुरू हो जाती है, अलमारियों में पैसा भर जाता है, उसको समझ नहीं आता पैसा कहाँ रखे. और जब वो बैल्कनी में वापस आकर के देखता है तो देखता है उसके भाई के तो कमरों से पैसा निकल रहा है, गिरे जा रहा है, उसको दोनों हाथों से बटोर रहा है, हाँ गार्डनिंग के टूल्स ला करके उसको अंदर दबा रहा है और पैसा निकलते जा रहा है. तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता कि यार तो मैं तो रईस होते जा रहा हूँ, बड़ा होते जा रहा हूँ, बट देन माई ब्रदर इज बिकमिंग बिगर. तो बोलता है मेरे पास तीसरी विश बची है. तो बोलता है भगवान एक काम करो, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दिलवा दो. तो बोलता है अगर मुझे हल्का सा हार्ट अटैक आएगा तो मेरे भाई को जो है वो बड़ा हार्ट अटैक आएगा और वो चल बसेगा. नाउ दिस इज द टोटल सम एंड सब्सटेंस ऑफ आवर लिविंग टुडे. हम में इतनी जेलसी आ गई है, हम में इतनी सेल्फ सेंटर्डनेस आ गई है, हम में अपने आप के अलावा इट इज मी माई सेल्फ एंड आई, हम इसके बियॉन्ड देख नहीं सकते, हमें किसी दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं है, किसी दूसरे का हमसे आगे जाना बर्दाश्त नहीं है, तो हम खुश रह कैसे सकते हैं जीवन में.
when I'm going to compare myself perpetually with Ratan Tata or a Mukesh Ambani or probably a Adi Godrej, so I'm going to be a perpetual loser in my life. I may not be able to gain the kind of heights they have gained. But then, yes, it's because of their good luck, their hard work, their planning, whatever they have done in their lives. So similarly, humko bhi apne jeevan mein planning karni padegi, mehnat karni padegi, sab kuch karna padega. So ho sakta hai, if luck favors us, we might also become one like them. But till then, it happens, you have to come back to the drawing board. So, you have understood the very basic concept of how to make your life better quantitatively. But today's my talk is not going to move around how you should become a Dhirubhai Ambani or how you should become a Ratan Tata or how you should become a great industrialist or a great entrepreneur. My talk is going to be revolving around how to make you, help you make, or at least share with you how to become a good human being. So, we have to make our life better. So, how do we? So, now let's come down to the qualitative terms. Those, which we call the gunatmak vridhyan hamare character mein jo humko lekar ke aani hai, jo humko ultimately ek behtar insaan banane mein madad karenge, to wo kaun si aisi qualities hain jo humko apne charitra mein ubharne ka prayas karna chahiye. To chaliye hum apni ab talk ki shuruaat asal mein ab yahan se karte hain. How to really make our lives better and better in terms of quality, ki hum apne jeevan mein tulnatmak vriddhi na karte hue gunatmak vriddhi kare. To how do we make it better? अब एक लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे बोला जाए कि तुम रायचंद बन जाओ, रायचंद मतलब वन हु इज प्रोन टू गिव एडवाइस टू एवरीबॉडी एंड टेल हाउ टू लीड योर लाइफ बेटर, जैसे मैं कर रहा हूं इस समय आपके साथ, आपको राय दे रहा हूं. बट प्रोबेबली वेदर आई एम फॉलोइंग इट इन माई लाइफ और नॉट, दिस इज फॉर मी टू डिसाइड. बट देन आई हैव सीन, when you really truly follow these points, aapke man mastishk mein, aapki personality mein, aapke charitra mein, aapke rehen sehen mein, aapke jeevan mein, aapke bol chaal mein ek waqai gunatmak badlav aata hai jo aapko ek behtareen insaan banane mein madad bhi karta hai. To sabse pehla point hai self improvement. First point to make your life better. Dekho hame apni zindagi behtar banani hai. तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, सेल्फ इंप्रूवमेंट. सबसे पहले हमको, आपने कभी कोई टोंगा देखा है? जब हम देखते ना एक घोड़ा गाड़ी होती है जैसे बोलते हैं, जिसमें घोड़ा आगे बंधा होता है और पीछे टांगा लगा होता है, तो ये टोंगा जब चलता है तो घोड़ा जो होता है ना, उसके आंखों के सामने आप देखिएगा ऐसे दो पर्दे लगा दिए जाते हैं. वो दो पर्दे क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि घोड़ा डिस्ट्रैक्टेड ना हो, इधर ना देखे उधर ना देखे, फोकस उसका वहीं पर रहे, सो दैट ही गोज, उसको जिस गंतव्य पर जाना है वो एक चाल से बिना किसी तकलीफ के चलता रहे. तो हमको भी कुछ ब्लाइंडर्स लगाने पड़ेंगे अपने आंखों के इर्द गिर्द, ताकि हम यहां ना देखें वहां ना देखें. हमें क्या होता है अक्सर, जब कोई बोलता है कि अगर आपको किसी को बदलाव लाना है किसी में, तो सबसे पहले हम ऑप्शन देते हैं कि ठीक है सर, मैं बदलाव लाने का प्रयास करता हूं सामने वाले में. तो प्रश्न यह उठता है कि जब आप अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं तो कितनी दिक्कत आती है, कितनी मुश्किल आती है, हाउ डिफिकल्ट यू सीम टू बी. बट व्हेन इट कम्स कि मैं किसी और में बदलाव लाऊं, तो आदमी सबसे पहले राजी हो जाता है कि मैं बड़े आराम से इसमें बदलाव ले आऊंगा, नॉट रियलाइजिंग कि जब तक आप वो बदलाव अपने आप में नहीं लाएंगे, सामने वाला तो व्यक्ति उस चीज से अफेक्टेड रहेगा ही नहीं. एक बहुत पुराना वाक्य मुझको याद आ रहा है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन माय एमकॉम क्लास, मैं अक्सर यह उदाहरण सबको देता हूं. हमारा एक सब्जेक्ट था उस समय, उसको बोलते थे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एमकॉम में. इस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ाने के लिए हमारे पास कनाडा से एक प्रोफेसर आए थे, हु वाज अ क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट. तो वो यह क्लासेस हमारे लिए लेते थे और उसमें उन्होंने हमसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज कराई जो आज After so many years, is still live in my memory. उन्होंने कहा कि आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, तो आप में से जो लोग पेन और पेपर लेके बैठे हैं वो बैठ सकते हैं सामने, और आप अपने सामने आप ऐसा करिए कि अपने कोई भी तीन अवगुण जो हैं, any three negative traits in your personality, उनको अगले तीन मिनट के अंदर पेपर पर लिखिए. अब हमको बोला गया कि कोई भी अपने तीन अवगुण एक पेपर के ऊपर तीन मिनट में लिखिए. अब घड़ी चालू हो गई, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, आप लोग भी शुरू हो जाइए लिखना.
तो आप नोट करिए कि कितने आउटपुट आप लिख सकते हैं 3 मिनट के अंदर। अब 3 मिनट निकल गए, 4 मिनट निकल गए, 5 मिनट निकल गए, हम लोग स्टिल सोच रहे थे, लिख रहे थे, उनको लगा बच्चे बड़े सिंसियर हैं, अपने अवगुण लिखे जा रहे हैं, तो कम से कम 8-10 अवगुण तो लिख दिए होंगे अभी तक। अब जब 5 मिनट खत्म हो गए, 6 मिनट हो गए, तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने हमसे पेपर्स रोकने को बंद कर दिया, उन्होंने बोला पेन डाउन प्लीज, और बताइए कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं पूरी क्लास में जिन्होंने अपने 3 अवगुण इस कागज पर लिखने में सफलता प्राप्त की है। तो हम सब लोगों ने घूम करके देखा, एक भी क्लास में बच्चा नहीं। फिर एक बच्चे ने धीरे से डरते 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 ऐसे हाथ खड़ा किया और कहा, सर मेरे में 3 अवगुण मिल गए सर मुझको, और मुझे लग रहा है शायद और भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटा, अभी से तुमको अगर अपने जीवन में 3 अवगुण मिल रहे हैं तो सोचो कि तुम तो अवगुणों की खान हो। अब हम सब लोगों ने अपने आप को देखा लाइक विनर्स, यू नो, कि अरे वाह, इसने तो 3 अवगुण इसको मिल गए। हमसे पूछा, अच्छा 2 अवगुण किस किस को मिले। अब फिर बच्चों ने इधर उधर देखा तो अधिकांश बच्चों के हाथ ऊपर उठे हुए थे कि 2 अवगुण काफी बच्चों को खोजने को मिल गए। और फिर उन्होंने कहा, अच्छा ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनमें केवल 1 अवगुण है। तो 4-5 बच्चे थे, उन्होंने लिटरली लाइक जैसे गोल्ड मेडल मिलता है ना, तो विनर्स की तरह जायजा लिया क्लास का और कहा, यस सर हमको 1 अवगुण मिल गया, शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। अब ऐसा कौन सा बच्चा है तुम्हारा जो रियल गोल्ड मेडल विनर है जिसमें 1 भी अवगुण नहीं है। अब हम सब वापस तलाशने लगे इधर उधर, तो एक बच्चे ने जो आगे आगे बैठा था बड़ा कॉन्फिडेंटली हाथ खड़ा किया और कहा, सर आई हैव नो फॉल्ट्स इन मी एट ऑल। तो सर ने कहा, सर इसके लिए ताली बजाइए, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, कि इसमें 1 भी गलती नहीं है, यानी कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे होंगे शायद, उनमें भी हमने गलतियां निकाल ली, और एक ये व्यक्ति मिले हैं जो बोलते हैं कि हमें कोई गलती नहीं है, तो वाकई इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। फिर उन्होंने कहा, इस पेपर को साइड में रख दीजिए। हमने सबने साइड में रख दिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज दी कि आपके पड़ोस में जो बालक आपके साथ बैठा है उसके कोई भी 3 अवगुण अगले 3 मिनट में लिखिए। द चाइल्ड हु सिटिंग नेक्स्ट टू यू, प्लीज राइट डाउन 3 of his negative qualities इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स। अब 3 मिनट, हमने तो किसी ने 1 मिनट में पूरा कर दिया, किसी ने 2 मिनट में पूरा कर दिया, और जिसने 3 मिनट लिए तो किसी ने 6, किसी ने 8, और एक आदमी ने तो अपने बेस्ट फ्रेंड की 10 negative traits उस 3 मिनट के अंदर लिख करके दे दी। अब वो एक्सरसाइज खत्म हुई, सो आर प्रोफेसर आस्क्ड अस, व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से हमें ये समझ में आया, उन्होंने हमको बताया, हम तो उस समय भी नहीं समझे, हम समझ रहे थे कि यार तो बड़ा अच्छा तरीका है सामने वाले को बताने का। तो उन्होंने बताया कि इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हमें अपने खुद के अवगुण देखने हो तो हमें कितनी मुश्किल से दिखते हैं, पर हम अपने बेस्ट फ्रेंड को हु शेयरिंग अ बेंच विद यू, व्हेन यू आस्क हिम, तो वो आपके 3 नहीं 5, 6, 8 और एक बच्चे ने तो 10 अवगुण तक गिना दिए। यानी हम लोग बाह्यमुखी हैं, हम बाहर देखते हैं तो हमें सबके अवगुण दिखाई देते हैं, पर हमको भीतर मुखी होना पड़ेगा। वी विल हैव टू डाइव इनसाइड आवर हार्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटायरली रॉन्ग विद मी। बोले जो बच्चा कहता है कि मेरे में 1 भी अवगुण नहीं है, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। देयर इज नो पर्सन ऑन दिस अर्थ हु कैन क्लेम that I have no errors in my nature or character. There could be minimal or minors or majors, but yes, nobody can claim that way. किसी को गुस्सा अधिक आता है, कोई आलसी है, कोई चोरी करने की आदत रखता है, कोई किसी की चुगली करने की आदत रखता है, कोई किसी की बैक बाइटिंग करता है, कोई किसी की टांग खींचता है. So there can be so many kinds of problems a personality can bear. So in that view, उन्होंने कहा जब भी आप किसी की तरफ उंगली करते हैं कि यह इस किस्म का है, तो आप ध्यान रखिए कि ये 3 उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं, रिमाइंडिंग यू दैट दैट मैन हैज ओनली 1 fault एंड यू हैव 3 faults विद इन योरसेल्फ। सो यू हैव टू गो डीप इनसाइड एंड जज फॉर योरसेल्फ व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हिच यू नीड टू कैरी आउट एंड व्हिच यू नीड टू करेक्ट। तो होता क्या है, हमको जब भी किसी की गलतियां निकालनी हो, मुझे एक बार एक जोक याद आया, एक आदमी बोलता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है, वो सचदेवा साहब की एक क्लास अटेंड करी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई अपनी गलतियां ढूंढने का मौका मिलना चाहिए, तो यार मुझे कुछ गलतियां नहीं मिल रही, तो कोई तरीका बताओ ताकि मुझे मेरी गलतियां मिल जाएं। तो उसका दोस्त बोलता है, तू आज घर जाना और एक बार जाकर के भाभी के ससुराल वाले जो है ना, जो भाभी के जो मायके वाले हैं,
उनको कुछ भला बुरा बोल देना, फिर तेरी गलतियां, तेरे पिताजी की गलतियां, तेरी माताजी की गलतियां, तेरे पूरे खानदान की गलतियां, तेरे पड़ोस की गलतियां सब एक पेपर पर आ जाएंगी, देन यू कैन सेट अराउंड गोइंग करेक्टिंग योरसेल्फ. दैट इज ऑफ कोर्स इन अ जोक एज आई सेड इट. सो इट द मेन द आइडिया अगेन इट इज टू एम्फसाइज इट इज सो इजी फॉर मी टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स. और कबीरदास जी क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई. अब ये इतनी पुरानी सेइंग है, हमने बचपन में क्लासेस में भी पढ़ी है, पर हमने क्या इसको जीवन में उतारने का प्रयास किया है? हम शायद यह गोल्डन कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं दैट आई हैव नॉट टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स. मैं गलतियां ढूंढने जाऊंगा तो बहुत गलतियां मिल जाएंगी, पर क्या उससे मेरा उत्थान होगा? उत्थान तो नहीं होगा, मेरा पतन निश्चित है. तो पहली चीज है मैं अपने आप की गलतियां खोजूं, उनको सुधारने का प्रयास करूं. और जब मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ who was an English writer has verily said it. He said forget about the society, don't think of changing anybody else, just change yourself and you can be sure that there would be one scoundrel less in the society. यानी अगर आप अपने आप को बदल देंगे तो कम से कम इस समाज में एक खलनायक कम हो जाएगा, यह कहने का तात्पर्य है. तो वाकई बहुत सोचने वाली बात है. लेट अस ट्राई एंड सी इफ वी कैन डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड ट्राई ऑन एन एक्सरसाइज एज टू हाउ डू वी गो अबाउट करेक्टिंग आवरसेल्व्स. अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम आते हैं. मैं केवल चार बिंदुओं पे आपसे बात करूंगा. पहला बिंदु हमने डिस्कस कर लिया, सेल्फ इंप्रूवमेंट. अब हम दूसरे बिंदु पे आते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि समहाउ सक्सेस इन लाइफ इज इवेडिंग मी. मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे चाहें, और मैं भी चाहता हूं कि मेरे बहुत अच्छे लोग मित्र बने, लोग मुझको मैं जहां भी जाऊं लोग मुस्कुराएं, लोग मेरे को देख करके मेरा मजाक नहीं उड़ाएं, मुझे लाइटली नहीं लें, पीपल टेक मी सीरियसली, सो व्हाट शुड आई डू. तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं इसके लिए. क्या होता है, अक्सर मैं जब स्कूल्स में जाता हूँ ना, आप लोग तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे एक बहुत सौभाग्य मिलता है कि ऑल ओवर इंडिया आई गेट इनवाइटेड टू गो टू वेरियस स्कूल्स एंड टॉक टू द चिल्ड्रन देयर. तो मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो. तो सब बच्चे बोलते हैं कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई लॉयर, कोई IAS ऑफिसर, कोई कॉस्मोनॉट बनना चाहता है, कोई मिलिट्री में जाना चाहता है. और very surprisingly one or two students in south of india told me that they would love to become teachers. mujhe laga ki waqai us bacche ke jeevan mein us shikshak ka kitna acha prabhav raha hoga ki wo bachcha ek shikshak banna chahta hai bada hokar ke. bahut acche answers milte hain uske andar. to main unko ek cheez aur add karta hu ki aap jo to banna chah rahe ho par ek cheez aisi hai jis career ke andar koi competition nahi hai. dekhiye agar aap engineer banna chahenge to aapko iit se kam nahi karna. तो IIT में कितना कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है, माय गॉड, लैक्स एंड लैक्स ऑफ चिल्ड्रन सिट, अ फ्यू हंड्रेड्स गेट सिलेक्टेड. मेडिसिन के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, लाखों बच्चे अटेम्प्ट करते हैं PMT, उसके बाद कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हजारों की संख्या में सिलेक्ट होते हैं. सिमिलरली IAS, आपको इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, अगेन लैक्स एंड लैक्स ऑफ चिल्ड्रन अपीयर, ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स गेट सिलेक्टेड. तो कोई भी कॉम्पिटिशन लाइफ में इतना ज्यादा है हर लाइन में, तो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा. पर एक लाइन ऐसी है जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, और अगर आप उस लाइन के अंदर चलना शुरू कर दें तो यू विल बिकम अ हीरो इन नो टाइम. और वो लाइन है हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. हर आदमी एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, रईस आदमी बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉपुलर बनना चाहता है, सब कुछ बनना चाहता है. उसके लिए बहुत रैट रेस है, उसमें बहुत लोग दौड़ रहे हैं उस डायरेक्शन में. पर एक अच्छा व्यक्ति बनना एक ऐसा करियर है, इस करियर में कोई भी कंपटीशन नहीं है. लोग समझते ही नहीं है कि आपकी अच्छाई ही आपको अट्रैक्ट करेगी लोगों को आपकी तरफ. When you are a good human being, people will automatically want you in whatever you do. तो सबसे पहली चीज, if you are a good human being, you will be good in whatever you do. अब आप देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं क्या? कोई भी झोला छाप डॉक्टर जो कोने में बैठा है, आप चले जाएंगे कि साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दीजिए? नहीं, आप कहते हैं जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है भोपाल के, मैं वहां जाना चाहूंगी या वहां जाना चाहूंगा. क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू गो एंड शो योरसेल्फ टू द बेस्ट डॉक्टर, टू द
good doctor. So similarly, these are two qualities, to be good in whatever you do and the best doctor. इसकी एक point है सिर्फ, मैं आपको इसके सिर्फ दो point है जो आपको जीवन में उतारने हैं. So my next point is all about becoming a sincere human being and a hardworking human being. Trust me, आज के corporate sector में आपको qualified लोग मिल जाएंगे, आपको qualified काम चोर भी मिल जाएंगे, but आपको qualified, sincere and hardworking लोग नहीं मिलते हैं. आज आप किसी भी entrepreneur से पूछ लीजिए कि what do you want to aspire? Do you want a highly qualified guy from America who really doesn't work that much and he doesn't enthuse the kind of confidence you would want? Or do you want a guy from Sage University in Bhopal who's full of confidence, full of sincerity, full of hard work? Trust me, that entrepreneur will say, I will choose this guy in Sage University क्योंकि इस बच्चे के अंदर sincerity है और इसमें कठिन परिश्रम करने की. अब इस हार्ड वर्क को आप हार्ड वर्क भी बोल सकते हैं, स्मार्ट वर्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज का हम जिस जेट युग में जी रहे हैं, नॉट जस्ट हार्ड वर्क बट इट हैज टू बी स्मार्ट वर्क ऑल्सो. इट शुड गेट सब्सटैंशिएटेड बाय योर स्मार्टनेस, हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, हाउ यू परसीव योर प्रॉब्लम्स, हाउ यू आर एबल टू डू इट. तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क गो हैंड इन हैंड व्हेन वी से दैट. एंड सेकंड पॉइंट व्हिच आई सेड इज सिंसियरिटी. आज के जीवन में सिंसियर लोग कोई भी नहीं मिल रहे हैं. आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के शूज में डालिए, आप बैठिए, दैट यू वांट टू सिलेक्ट पीपल इन द इंटरव्यू सेशन हु आर सिंसियर. इफ यू आर, इफ यू गॉट अ बैरोमीटर टू जज द सिंसियरिटी ऑफ अ पर्सन, यू विल ऑलवेज चूज दोज पीपल हु हैव दीज वैल्यूज इन देम रादर देन दोज पीपल हु हैव नंबर ऑफ डिग्रीज बट नो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बीइंग सिंसियर टू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क इन. आई नो ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंदौर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत क्लोज हैं मेरे, एंड ही टेक्स प्राइड इन टेलिंग मी कि त्रिभुवन मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो मेरे साथ में पिछले 30 साल से हैं, पिछले 25 साल से हैं, पिछले 35 साल से हैं. सो आई एम सरप्राइज्ड एंड आई आस्क हिम, सर हाउ आर यू एबल टू रिटेन दीज पीपल? ही सेड इट्स जस्ट दैट व्हेन दे केम टू मी दे वर नॉट ओवरली क्वालिफाइड, बहुत ज्यादा डिग्रीज इनके पास में नहीं थी, इनकी आंखों में सपना था, दिल में एक जिसे कहते हैं एक जज्बा था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है. एंड आई कुड रीड दैट दे वर सिंसियर पीपल, हम्बल पीपल, गुड ह्यूमन बीइंग्स. एंड व्हेन आई चोज गुड ह्यूमन बीइंग्स ओवर ओवर क्वालिफाइड पीपल, दे हैव पेड मी रिच डिविडेंड्स. एंड टुडे आई एम अ वेरी हैप्पी मैन दैट आई सिट बैक एंड रिलैक्स एंड वेयर एज दे रन माई इंडस्ट्री वेरी स्मूथली. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सिंसियरिटी विच कम्स ऑन टू यू इन अ बिग वे व्हेन यू चूज द राइट पीपल टू डू योर जॉब. तो इसीलिए जीवन में सिंसेरिटी और हार्डवर्क दो ऐसे बिंदु हैं कि जब आप इनको अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उतार लेंगे तो फिर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. ये जीवन में आपको निश्चित रूप से एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेंगे. अब थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं. वी हैव स्पोकन टू पॉइंट्स, वन इज सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेकेंड इज सिंसेरिटी एंड हार्डवर्क. एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज, ये आपने शायद कभी ना सुना हो, इसको मेरा कहने का तरीका कुछ अलग है, दैट इज सीलिंग ऑन डिजायर्स. आप अपना सिर ऊपर उठा करके देखिए, आपके सिर के ऊपर क्या है, आप देखिए क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है आपके सिर के ऊपर? तो आप कहेंगे सर हम जब सर उठाते हैं अपना तो हमें छत दिखाई देती है, एक सीलिंग दिखाई देती है. तो सीलिंग का काम क्या है? आप कहेंगे सर हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने चेंबर्स में बैठे हैं, और वो सीलिंग इसलिए होती है कि इट रिस्ट्रिक्ट्स द एरिया ऑफ माय रूम. इट टेल्स मी दैट एट दिस प्लेस मैं इस हाइट पे एयर कंडीशन लगा सकता हूं, इस कार पे इस हाइट पे लाइट लगा सकता हूं, इस हाइट के ऊपर फैंस लगा सकता हूं इत्यादि, और इट डिफाइंस माय एरिया ऑन टॉप ऑफ माय हेड. अदरवाइज आप सर उठाएंगे तो आपको नीली छतरी वाला भी दिख जाएगा. This whole blue sky you can see, there is no end to it. But then every person who stays in a multi-storied building or an office has a ceiling on top of his head. So jab hum rehte hain hamare rehen sehen mein, there is a ceiling on top of our heads. So similarly hamare jeevan mein ichhaye jo hain wo ek aniyantrit mode mein hoti hain. Aapse jaisa maine shuruaat mein kaha tha, man is a bundle of wants. No sooner does one want get over, another wants raises his heads. And what happens?
आप उस इच्छा को सेटिस्फाई करने में, उस इच्छा को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, एंड यू आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, और आपकी इच्छाएं कभी भी शांत नहीं हो पाती। आप इच्छाओं को बस इच्छाओं का बोझ लेकर के जीते हैं, इच्छाओं के साथ चले चलते हैं, और इच्छाएं कभी शांत होने का नाम ही नहीं लेती। आपको जैसे पहले साइकिल थी, फिर स्कूटर आ गया, स्कूटर से मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल से आपको फिर कार चाहिए थी, कार से फिर आपको बड़ी कार चाहिए थी, बड़ी कार से एसयूवी चाहिए थी, एसयूवी के बाद मर्सिडीज चाहिए थी, मर्सिडीज के बाद में आपको हेलीकॉप्टर चाहिए था, हेलीकॉप्टर के बाद आपको मुकेश अंबानी बनना था, आपको क्या कुछ नहीं बनना। सो देयर इज नो एंड टू योर डिजायर्स। नो सूनर आप एक डिजायर फुलफिल करेंगे, दूसरी डिजायर आ जाएगी। तो इस डिजायर्स के ऊपर भी आपको एक सीलिंग डालनी पड़ेगी, यानी आपको अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा नियंत्रित करना पड़ेगा अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप देखिए, आपकी जो इच्छाएं हैं यही आपको दुखी करती हैं। आपकी इच्छा है साहब कि मेरा एक बहुत बड़ा बंगलो होना चाहिए। अब बंगलो होना चाहिए, बट एम आई वर्किंग टूवर्ड्स इट? एम आई प्लानिंग टूवर्ड्स इट? Have I done something to make a bungalow? सर मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होगा ना। फिर मैं दुनिया को भी गाली देता हूँ, मोदी जी को भी गाली देता हूँ, गवर्नमेंट को भी गाली देता हूँ, रोड पे जो सक्सेसफुल आदमी दिखता है उसको भी गाली देता हूँ कि देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, चोर हैं, बदमाश हैं। अरे what do we know about their journey? How can we just pass comments like these? It is their journey, how they have done it and how they have achieved it. There can be nothing which does not need hard work. कोई भी बिना मेहनत किए कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। आप सोचिए कि आप सेज यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, बस मैं अब आ गया हूं, अब मेरे को एमबीए भी मिल जाएगा, मेरी इंजीनियरिंग भी हो जाएगी, मेरी सब क्लासेस हो जाएंगी। तो आप अपने प्रोफेसर से पूछिए क्या ऐसा होगा? द प्रोफेसर विल से गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद आपकी मेहनत तो अब शुरू हुई है, आपको असली काम तो अब करना है। जब आप मेहनत अब करेंगे तब आप करेंगे। तो सिमिलरली आपको इच्छाओं पर एक सीलिंग डालनी पड़ेगी, आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा, उस पर एक परिसीमन करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू पुट अ सीलिंग ऑन योर डिजायर्स। एक बहुत बड़े राजा थे, उनकी एक बहुत सुंदर रानी थी, और ही वॉज अ यंग मैन, हार्डली 25-26 साल के थे, और उनका जीवन बहुत आराम से गुजर रहा था, बहुत सुखी थे। अब एक दिन उनके सेनापति उनके पास में आए और उनके सेनापति ने कहा, सर आप जिस राज्य पे राज कर रहे हैं यह तो आपके पिताजी के द्वारा बनाया गया था, क्यों ना हम उत्तर दिशा में एक राजा है जो थोड़ा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, तो हम उस उत्तर दिशा में आक्रमण करें और उसका राज्य अपने राज में मिला लें, तो हमारा राज्य जो है 1/4 और बढ़ जाएगा। तो राजा साहब को उनका आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, आई विल टेक दैट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और सेना को तैयार करके उन्होंने वहां कूच किया, भीषण युद्ध हुआ, सामने वाला जो राजा था वो सरेंडर हो गया, वो हार गया। अब हार गया तो राजा ने कहा कि अभी राज्य मेरा हुआ। तो जो दूसरा पराजित हुआ था राजा, उसको एक आइडिया आया, उसने कहा कि भाई मैं राज्य तो हार चुका हूं, पर अब अगर मेरे को दास बन के इसका जीना पड़े, तो उसने एक ऑफर किया उस जो ओरिजिनल राजा को जिसे युद्ध में जीत प्राप्त की थी। उन्होंने कहा, राजा साहब मेरी एक बहुत सुंदर और सुशील कन्या है, अगर आप उससे विवाह कर लें तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा और आपके नाम से आपका राज्य कराऊंगा, आपको विद्रोह की भी चिंता नहीं रहेगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी, तो आप अगर ठीक समझे तो मेरी बेटी का हाथ अपने हाथ में ले लें। तो राजा ने अपना अपने सेनापति से और अपने वजीर आजम से सलाह मशवरा किया और उन्होंने कहा, सर इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप शादी कर लीजिए, और राजा महाराजाओं की तो 4-5 वाइफ्स होनी चाहिए, सो दैट आगे अच्छे बच्चे भी हों, सो दैट ऑल द चिल्ड्रन रूल ऑल द किंगडम्स। अब राजा साहब ने उनकी बहुत सुंदर और सुशील कन्या थी उससे विवाह कर लिया, उसको विवाह करके अपने घर ले आए। अब घर ले आए, अब इसके बाद कुछ महीनों बाद वो उनका सेनापति फिर आया, उसने कहा, साहब दक्षिण दिशा में भी जो राजा है वह भी थोड़ा कमजोर पड़ता प्रतीत हो रहा है, मुझे लगता है ये अच्छा मौका है, हम उसके राज्य पे आक्रमण करें और उसका राज्य भी अपने राज्य में मिला लें। राजा फिर अपनी दोनों बीवियों को छोड़ करके आक्रमण करने निकल जाते हैं और वो दक्षिण में जो राजा है उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो राजा देखता है कि यार ये राजा अच्छा आदमी है और हैंडसम लुकिंग गाय है, बहुत बड़ा आदमी है, हमसे बड़ा राजा है, तो वो उनको ऑफर करता है, साहब मेरी एक बहुत सुशील और अच्छी बहन है, अगर आप उसका हाथ अपने हाथ में ले लें
तो मैं आपका ब्रदर इन लॉ, आपका साला बन करके आपकी स्टैंप पर लेकर के मैं आपका राज्य चलाऊंगा यहाँ। तो राजा साहब मान गए। अब उनकी तीसरी बीवी भी आ गई। अब घर में तीन बीवियां हो गई तो प्रसन्न ही प्रसन्न, उनको जिस बीवी के साथ जब रहना होता था, टाइम स्पेंड करना होता था, वो करते थे। कुछ महीने और बीत गए, इसके बाद उनके वही सेनापति आए, उनकी बीवियों को शायद वो सेनापति को जेल में डाल देना चाहिए था। तो सेनापति फिर आए और सेनापति जी ने कहा कि सर वो जो पूर्व दिशा है वहां का राजा भी थोड़ा सा विद्रोही रूख अख्तियार कर रहा है, तो क्यों ना हम उस पे आक्रमण करके उसका राज्य भी अपने राज्य में मिला लें। राजा ने फिर वहां कूच किया और वहां कूच करके उसकी ऊपर भी विजय प्राप्त की। उसने भी उसकी बेटी या बहन या जो भी रिश्तेदार रही होगी उसका हाथ राजा साहब के हाथ में दे दिया। अब राजा साहब की चार बीवियां हो गई साहब, अब चार बीवियां हो गई। अब कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर उनका सेनापति आया, बोले साहब वो पश्चिम दिशा का राजा भी जो है, मुझे लगता है उसको सबक सिखाने की जरूरत है। आप इस राजा पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप साहब इस पूरे एरिया के एक छत्र आपका राज हो जाएगा और दूर दूर तक आपकी जिसे कहते हैं ख्याति फैल जाएगी और लोग आपके दर्शन करने आएंगे, आप राजा से महाराजा बन जाएंगे। अब वो महाराजा बनने की चाह में उन्होंने चौथी जगह भी अटैक कर दिया और वहां जाकर के आक्रमण किया। वहां भी यही हुआ कि जीत गए और वहां के राजा ने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दे दिया। अब राजा की पांच बीवियां हो गई, एक ओरिजिनल और चार जिनको अलग अलग दिशाओं में जीत करके लेकर के आए। नाउ व्हाट शुड यू से, शुड द किंग बी अ हैप्पी मैन, यस और नो? मेरे ख्याल से तो राजा बहुत खुश आदमी होना चाहिए, बहुत बड़ा आदमी बन गया, राजा से महाराजा बन गया, एक से उसकी पांच गुना अभिवृद्धि होगी संपत्ति में, राज्य में, सब कुछ। पर यहां तो कुछ लोग मेरे को स्क्रीन पर बोल रहे हैं, नो सर, ही शुड नॉट बी अ हैप्पी मैन। क्यों नहीं हैप्पी होगा भाई? अगर एक से पांच हो गई तो वो हो गया, और जिसकी यहाँ पे एक बीवी लोगों से नहीं संभलती उसकी तो पांच बीवियां थी। दैट मींस उसके पांच गुना प्रॉब्लम्स बढ़ गए। अब प्रॉब्लम्स कैसे बढ़े आप समझिए। एज फार एज हिज वर्ल्डली वेल्थ वाज कंसर्न, ही वाज अ हैप्पी मैन। एज फार एज उसकी राज्य की जो संख्या थी वो बढ़ गई, वो बड़ा खुश था। उसकी हीरे जवाहरात पांच गुना हो गए, वो बहुत खुश था। अब राजा के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम फैमिली वे में होना शुरू हो गया। अब एक दिन एक बीवी बोलती कि आज आप ब्रेकफास्ट मेरे साथ करना, तो दूसरी बीवी कहती नहीं नहीं मैंने आपके लिए इडली डोसा बनाया, आप मेरे यहाँ करिएगा। अब एक दिन एक पत्नी बोलती है आज का लंच आप मेरे महल में करिएगा, तो दूसरी कहती नहीं नहीं मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है, आप मेरे यहाँ आइए। तीसरे दिन अब मान लीजिए कोई रानी बोलती कि आज शाम को हम लोग वॉक के लिए साथ में जाएंगे हमारे रॉयल गार्डन्स में, तो चौथी रानी बोलती थी कि नहीं नहीं आज तो हमको नौका विहार के लिए जाना है आपके साथ, आप उस रानी के साथ कहाँ जा रहे हैं। तो राजा का जीवन जो है वो इतना खराब हो गया, वो बेचारा समझ में नहीं पा रहा था कि मैं इन पांचों लेडीज को कैसे हैंडल करूं। और फिर उसको लगा कि सेनापति को तो बुला के गोली मार देनी चाहिए, जिसने मुझे आइडिया दिया कि सर राज्य बढ़ाओ राज्य बढ़ाओ। अरे वे राज्य तो बढ़ा लिया, पर इसने मुझे क्यों सलाह दी कि तुम इनकी लड़कियों से और बहनों से शादी कर लो। अब पांच बीवियां हो गई हैं, लोगों से एक बीवी नहीं संभल रही है, तो इन बीवियों को मैं कैसे काबू करूं। ना अ मैन वॉन्ट्स टू कंट्रोल वेमेन, और राजा था, ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द वेमेन। तो उसने कहा कि मैं इन बीवियों को कैसे काबू में करूं। तो उसने जो सेनापति था, जो कि 6.5 फुट का लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नौजवान, बिल्कुल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की भूमिका में जिसे आप कह सकते हैं उस किस्म का बंदा, हाँ वो आया। और राजा साहब ने कहा तुम्हारे घर में कितनी बीवियां हैं? उसने कहा महाराज मेरे घर में तो एक ही बीवी है। बोले अच्छी एक ही बीवी है, तो उसमें घर में किसकी चलती है, तुम्हारी चलती है, तुम बीवी का कहना मानते हो या बीवी तुम्हारा कहना मानती है? तो कहता है साहब वो डिपेंड्स। बोले अच्छा तुम मुझे ये बताओ इन पांचों मेरी जो बीवियां हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं इनको कंट्रोल करने का कोई तरीका मेरे को बताओ। तो उस आदमी ने कहा साहब मेरे को तो नहीं आता, उल्टा मैं अपनी बीवी को नहीं कंट्रोल कर पाता, मैं आपको कैसे बताऊं। फिर उन्होंने अपने वजीर आजम को बुलाया, महामंत्री को बुलाया, उसने भी यही उत्तर दिया कि साहब मेरे को तो नहीं मालूम कि मैं बीवी को कैसे समझाऊं कैसे कंट्रोल करूं, तो मैं तो जैसा बीवी बोलती है करता हूं। वो फिर एक एक करके सबको बुलाते हैं, अपने शास्त्री जी को भी बुलाते हैं, मंत्री को भी बुलाते हैं, संतरी को भी बुलाते हैं, सब एक ही जवाब देते हैं कि सर हमको तो बीवी को कंट्रोल में कैसे करना है हमें नहीं आता। तो राजा साहब बोलते पूरे हमारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए और ये जो बड़ा बहुत बड़ा ग्राउंड है उस ग्राउंड के ऊपर उनको कहो दो पाले में डिवाइड कर दिया जाए ग्राउंड को, एक तरफ वो लोग आए जो अपनी बीवी को कंट्रोल करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग आए जिन्होंने अपनी बीवी जो अपनी बीवी की सुनते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि जो
इस वाले पाले में आ जाएंगे लोग 10, 20, 50, 100 जितने भी आएंगे, तो मैं उनसे सलाह लूंगा दैट हाउ आर यू एबल टू मेंटेन योर हैप्पीनेस क्वोशेंट। हाँ, तुम अपनी बीवी के साथ खुश कैसे रह पा रहे हो तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि मेरी तो 5 बीवियां हैं। अब सुबह से भीड़ आनी शुरू होती है, लेफ्ट साइड पर होते हैं वो लोग जो अपनी बीवी को कंट्रोल करते हैं और राइट साइड में होते हैं वो लोग जो अपनी बीवी की आज्ञा मानते हैं। अब सुबह से जो भीड़ शुरू होती है तो आई थिंक ऑल द लेडीज विल बी वेरी हैप्पी टू लर्न कि सब लोग राइट साइड में ही आ रहे हैं, कोई भी लेफ्ट साइड पे नहीं आता। अब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने को आई, डॉक्टर जो अपने राजा साहब होते हैं वो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं कि ये क्या है, मेरे पूरे राज्य में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो मुझे बताए कि मुझे अपनी बीवियों को कैसे कंट्रोल करना है। अब शाम ढलने के समय 6 को होते हैं, सूरज डूबने को होता है, तो एक पतला दुबिया सीकिया सा आदमी वो आकर के लेफ्ट साइड पर खड़ा हो जाता है, और जैसे ही खड़ा होता है तो शंख बजने लगते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं, उसको कंधों पर बिठा करके उसको हार पहनाया जाता है, उसको फूलों से स्वागत किया जाता है, उसको ऊपर परफ्यूम छिड़का जाता है और उसको ले जाया जाता है राजा के सामने, और राजा उसको बोलते हैं शाबाश, मेरे पूरे राज्य में एक ही हीमैन है जो जानता है कि अपनी बीवियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो बेटा बताओ मुझको कि बीवी को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि मेरी तो 5 बीवियां हैं, कोई मुझे यहाँ खींचती है, कोई मुझे वहां खींचती है, कोई मेरे को बोलती है यहाँ चलो, कोई मुझे बोलती है ऐसे कपड़े पहनो, कोई बोलती है ऐसे कपड़े पहनो, कोई बोलती है ये करो, कोई बोलती है उठो, कोई बोलती है बैठो, कोई बोलती है चलो, तो मुझे समझ ही नहीं आता, मैं खुश ही नहीं रह पा रहा, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो आदमी बोलता है साहब बीवी को कंट्रोल करते हैं या नहीं करते हैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो जब आज शाम को निकलने आया था ग्राउंड पे तो मेरी बीवी ने कहा था खबरदार जो राइट वाले पाले में जाके खड़े हुए, लेफ्ट वाले पाले में जाना, तो साहब मैं तो लेफ्ट वाले पाले में आके खड़ा हो गया। अब कहानी यहां समाप्त हो जाती है, बट कहानी समाप्त नहीं हुई, ये तो एनेक्डोट समाप्त हुआ। अब प्रश्न यह उठता है यह राजा कौन है और उसकी 5 कौन है, तो उसका उत्तर यह है, यह राजा मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं। करेक्ट, ये राजा आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं, और हमारी 5 कौन हैं? हमारी 5 आंख, नाक, जबान, कान और हमारे हाथ, ये हमारी 5 हमारी 5 हैं। आंख बोलती है अरे वो सीन देखो जिससे सेंसेस फ्लेयर अप होते हैं, हाँ, तो यू वांट टू सी समथिंग विच फ्लेयर्स अप योर सेंसेस। नाक बोलती है अरे ऐसी चीज नाक में खुशबू आनी चाहिए कि मुंह में पानी आ जाए, बढ़िया से बढ़िया खुशबू, बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम। कान क्या बोलते हैं, अरे यार ये भगवान का नाम क्या सुनना है, कोई अच्छी बातें क्या सुननी है, ये सत्यवादी क्या बोले जा रहे हैं, 1 से बोर कर रहे हैं, किसी की चुगली करें, कुछ किसी के बारे में बताएं, किसी की टांग खींचे, किसी के बारे में कुछ बोले तो सुनने में मजा आए, तो हम कानों से ये सुनना चाहते हैं कि किसी की बुराई हो रही है, हाँ किसी के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, और जबान के बारे में तो जितना बोला जाए कम है। लोग कहते हैं कि एक बार आप चाकू से वार कर दें तो उसका घाव भर जाता है और आदमी माफ कर देता है, पर जबान का घाव यह तो जिंदगी जीवन पर्यंत आपका समाप्त नहीं होता, जिंदगी भर आपके साथ में रहता है, और इस जबान से न जाने हम कितने लोगों को रोज घायल करते हैं, न जाने कितने लोगों को हम अपशब्द बोलते हैं, न जाने कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, हम भूल जाते हैं कि जुबान हमें किस लिए दी गई। और इन हाथों से, अरे इन हाथ तो भगवान ने हमें इसलिए दिए हैं कि जो आदमी हमसे आगे जाए उसकी टांग खींच लो, उसको पीछे कर लो ताकि हम आगे चले जाएं। अब अगर हम ये रुख रखेंगे तो ये 5 मुझको कभी भी चैन से जीवित नहीं रहने देंगी। इफ माई आईज आर गोइंग टू सी एनीथिंग विच इज गोइंग टू फ्लेयर माई सेंसेस एनीथिंग, तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू बी परपेचुअली डिससैटिस्फाइड। मैं कानों से अगर केवल गलत बातें ही सुनना चाहूंगा तो आई एम नेवर गोइंग टू बी हैप्पी इन माई लाइफ। अगर इस जुबान से मैं अगर मीठी वाणी बोलने की जगह कड़वी बात करूंगा, झूठ बोलूंगा, तो मेरे जीवन में आनंद कहाँ आएगा, मेरा जीवन बेहतर कैसे बनेगा। यह हाथ भगवान ने मुझे सेवा के लिए दिए हैं, टू हेल्प एवरीबडी, टू लव ऑल, टू सर्व ऑल, व्हाई शुड आई यूज दीज हैंड्स टू पुल पीपल्स लेग्स। These are questions we need to ask. इन आंखों से आप कहिए कि मैं सब में रोज एक अच्छा गुण देखूंगा, अवगुण नहीं देखूंगा, पहला प्रण, ठीक है। इन कानों से मैं
सबसे सबसे पहले जो दो बड़े कार्य होते हैं गलत कार्य, एक तो झूठ बोलना और एक अत्यधिक बोलना, यह दोनों चीजों पे कंट्रोल करूंगा। उसके बाद थर्ड चीज है मीठा बोलना। सबसे पहले झूठ नहीं बोलूंगा, दूसरी चीज अत्यधिक नहीं बोलूंगा, और तीसरी चीज है आई विल लर्न टू स्पीक सॉफ्टली, आई विल लर्न टू स्पीक स्वीटली। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप देखिए, कई लोग होते हैं आपको देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हैंडसम लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, वेरी वेल ड्रेस्ड लगते हैं, बट द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ, जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई अपन पतली गली से निकल लो, इसके साथ तो अपना नहीं चल सकता। क्योंकि उसकी भाषा से ही आपको समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति आपके लिए नहीं है। तो इसलिए किसी भी सुसंस्कृत और सुसभ्य व्यक्ति की पहचान उसकी जुबान होती है। आप जितना अच्छा जितना मीठा इस जुबान से बोलेंगे उतनी आपकी पॉपुलैरिटी होगी, उतने आप फेमस होंगे, उतना लोग आपको पसंद करेंगे। ये जीवन में मैंने बहुत ट्राइड नुस्खा है, आप सबसे अच्छे से बात करिए, सबसे मीठी जुबान में बात करिए, यू विल बी लव्ड बाय ऑल, और चेहरे पर एक मुस्कान रखिए, क्योंकि जितना आप मुस्कुराएंगे उतना लोग आपके आसपास आएंगे। और ये मुस्कान आपको मालूम है क्या है, ये मुस्कान जो है ये छूत की बीमारी की तरह है, ये कोविड की बीमारी की तरह है। जितनी बार आप मुस्कुराएंगे तो आप मान लीजिए पूरे भोपाल में सोनल मैडम अकेली मुस्कुरा रही है मान लीजिए, तो अब सोनल मैडम मुस्कुराई, अब त्रिभुवन भैया मुस्कुराए तो सोनल मैडम भी मुस्कुराई, तो अब दो लोग हो गए, अब दो लोग हो गए तो इसके बाद सोनल मैडम मुस्कुराई तो पूनम मैडम भी मुस्कुराई, अब पूनम मैडम के बाद में लावण्या मैडम भी मुस्कुराने लगी, इसके बाद जितने लोग यहाँ बैठे हुए इस इवेंट में वो सब मुस्कुराने लगे हैं। तो हम बाय द टाइम वी एंड दिस इवेंट इन अबाउट 15-20 मिनट्स फ्रॉम नाउ वी हैव एटलीस्ट 100 पीपल स्माइलिंग इन भोपाल। अब आप इमेजिन करिए ये 100 लोग और 100 लोगों को देख करके मुस्कुराएंगे तो 200 होंगे, वो 200 लोग और 200 लोगों को देख करके मुस्कुराए होंगे तो 400 लोग। तो इस तरह इन ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शंस ये छूत की बीमारी, यह मुस्कुराने की बीमारी फैल जाएगी। एंड वन डे व्हेन आई कम टू भोपाल एंड स्पेशली टू सेज यूनिवर्सिटी आई विल कमेंट, यार ये सेज यूनिवर्सिटी कमाल की जगह है, यहाँ तो सब लोग मुस्कुराते हुए मिलते हैं, हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखता है, इनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता झलक रही है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, इफ यू वॉन्ट टू बी लुकिंग गुड स्माइल अ लॉट। वो बोलते हैं स्माइल इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू इम्प्रूव योर लुक्स। आपको ब्यूटी पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको फेशियल्स कराने की भी जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मसाजेस कराने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट स्माइल अलॉट। एंड व्हेन यू स्माइल अलॉट इमेजिन दैट द वर्ल्ड अराउंड यू इज हैप्पी एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस क्वोशेंट इन योर लाइफ, और आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतरीन होगा। अब बस लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन माई लाइफ एज आई हैव अंडरस्टूड, अगर आपको अपने जीवन को बेहतरीन बनाना है, ये क्या सब्जेक्ट एक ऐसा है कि आप अपने जीवन को बेहतरीन कैसे बनाएं, आनंदमय जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ बेटर लिविंग, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रोबेबली आई कैन गो ऑन एंड ऑन एवरी सिंगल सब्जेक्ट विच वी हैव स्पोकन फॉर आवर्स टुगेदर, एंड यू मे प्रोबेबली हैव टू जेल मी बट यू विल एंजॉय इट ऑल्सो इन द सेंस देयर इज सो मच टू स्पीक अपॉन इट। बट वन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू ड्राइव होम टू एवरीबडी बिकॉज आई सी दैट द वॉच इज रनिंग अवे विद द टाइम, वो है फेथ इन वैल्यूज और फेथ इन गॉड। सबसे जरूरी है इस जीवन में, आप अगर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मानवीय मूल्यों में विश्वास होना चाहिए या भगवान में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यही दो ऐसी शक्तियां हैं कि या तो आप कोई मूल्यों में विश्वास रखें, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो प्रेम हो, कोई भी वैल्यू एक पकड़ लीजिए आप अपने जीवन में। जब आप उस वैल्यू का परिसीमन करेंगे, आप जब उस वैल्यू को फॉलो करेंगे और अपनी गलतियों का परिसीमन करेंगे, अपनी इच्छाओं का परिसीमन करेंगे, तो निश्चित रूप से यू विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन, यू विल बिकम अ बेटर इंडिविजुअल एंड योर लाइफ विल बिकम मच बेटर अराउंड यू। कारण क्या होता है, आज हम लोग सब दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं, हम स्ट्रेस में क्यों हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं बराबर हो पा रहा, हम स्ट्रेस को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे जीवन में, व्हाई इज इट दिस वे दैट स्ट्रेस इज मैनेजिंग अस एंड वी आर नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स, बिकॉज वी हैव लर्नड नॉट टू रिलाई ऑन सम वैल्यूज, वी हैव ऑल्सो लर्नड नॉट टू शेयर आवर बर्डन्स विद गॉड। हम भगवान पर भरोसा कर ही नहीं रहे, हम समझते हैं कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा, बट रिमेंबर that there is one power, you call it God,
आप उसको अल्लाह कहें, आप उसको जीसस क्राइस्ट कहें, आप उसको गुरु नानक कहें, आप उसको देवी माँ कहें, आप उसको श्री राम कहें, आप उसको कुछ भी कहें, आप उसको फॉर्मलेस एस्पेक्ट ऑफ गॉड कहें, दैट पावर इज देयर अबव यू. यू मस्ट हैव दैट फेथ. दैट पावर ओनली विल रेगुलेट यू थ्रू आउट योर लाइफ. I will just quickly run through a very beautiful story. I know I'm a little short of time, but I'm sure Madam Sonal will give me a little few more minutes to finish this story, because this is the icing on the cake, which all of you must remember. When I was a student in a university, we used to have a sports day event in our college. The sports day ki training ke liye, kai baar hamari college university se, hamari university ke jo फाउंडर मेंबर्स हैं, उन लोगों ने वहां पर आर्मी के कुछ पर्सनल भेजते थे जो हमको जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग देते थे, और वहां पर जंपिंग थ्रू द फायर वॉल, राइडिंग योर मोटरसाइकिल ऑन अ फायर वॉल एंड डूइंग जिम्नास्टिक्स एंड डेथ डिफाइंग एक्ट्स, ये बच्चे हम सब लोग सीखते थे. आई हैव ऑल्सो लर्नड क्वाइट अ लॉट ऑफ जिम्नास्टिक्स व्हेन आई वाज यंग इन माय कॉलेज डेज. तो उसमें एक ऐसी प्रैक्टिस थी कि हम लोगों को पहले फिजिकल एक्सरसाइजेस सिखाई जाती थी और उसके बाद जिम्नास्टिक्स में हमको इंडक्ट किया जाता था. तो आफ्टर ऑलमोस्ट वन मंथ ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस वी वर इंडक्टेड इनटू जिम्नास्टिक्स, और हमको समरसॉल्ट करना, ये एक वुडन हॉर्स होता था, एक लकड़ी की टेबल होती थी, हम दौड़ के आते थे और उस टेबल के सहारे जंप लेते थे. दे वर टू गाइड्स जो हमको जंप दिलवाते थे और हम हवा में समरसॉल्ट लेकर के पैरों के बल आकर के जमीन पर गिरते थे. अब अगर दो लोग हमको उछाले नहीं और दो लोग हमको पकड़ने के लिए न बैठे तो एक्सीडेंट हो सकता था. And we could probably land up in a hospital with a severe injury, either in your neck, on your back, or your hands. So, हम लोगों को बहुत carefully exercise कराई जाती थी. और जब हम exercises में अच्छे हो गए, तो हम लोगों को, being senior students in the final year, हम लोगों को बोला गया कि आप junior बच्चों को training कराइए, but इनको ये somersault मत करवाना. तो मुझे आज भी याद है कि एक गुवाहाटी का बच्चा हमारे college में था. तो वो आया और उसने कहा कि सर मैं पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में था और मैंने जिम्नास्टिक्स किया हुआ है, क्या मैं आपको ये समरसॉल्ट करके दिखाऊं? तो हम लोग, हमारे गाइड का, हमारे कोच का, वो भूल गए डिक्टम कि भाई आपको इन बच्चों को अकेले नहीं करने देना है. हमने कहा करके दिखाइए. वो आया दौड़ लगाता हुआ, उसने इंडिपेंडेंटली उस टेबल पर आया, वुडन हॉर्स पे समरसॉल्ट ली और समरसॉल्ट लेकर के पांव के बल लैंड कर गया. उसकी लैंडिंग बहुत क्लीन नहीं थी, बट वी न्यू दैट ही हैज लर्नड हाउ टू डू इट. हमने कहा अरे वाह, हमने तो इतने हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद ये कर रहे हैं, तुम तो आए और तुमने फॉरवर्ड कर दिया. तो उसने कहा सर एक और बार दिखाऊं, कुछ और सीनियर स्टूडेंट्स आ गए. तो जोश में आ गया, अब वो दौड़ के आया और जब वो जंप करने को हुआ तो उसका पांव स्लिप हो गया एंड उसको लेवरेज नहीं मिला जो उसको वुडन टेबल से मिलना चाहिए. एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ समरसॉल्ट एंड लैंडिंग ऑन हिज फीट, ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू लैंड ऑन हिज बैक. तो उसने अपने आप को बैक के बल, जिसे कहते हैं पीठ के बल, गिरने से बचाने के लिए उसने अपना हाथ पीछे किया और एक कड़क करके आवाज आई और जोर से उसके चिल्लाने की आवाज आई और हमने देखा उसका हाथ दो टुकड़ों में हो गया. He had landed on his hand. अब उसका हाथ दो टुकड़ों में हो गया और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है, चीख रहा है. एंड वी न्यू कि उसकी हड्डी टूट चुकी है, उसकी एक्चुअली हड्डी पूरी डिसलोकेट हो गई थी. अब हम उसको लेकर के रश किया, हमारे हॉस्टल के पास में ही एक हमारा हॉस्पिटल था, जनरल हॉस्पिटल, वहां गए तो पता चला कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे उस दिन, वो उनकी कोई फैमिली में कोई कमिटमेंट था बैंगलोर में, तो वो पुटुपर्ती से बैंगलोर चले गए और वो 3 या 4 दिन के बाद आने वाले थे. अब हम सब लोग डर गए कि अब हम लोगों को ऊपर से हायर अप से डांट पड़ेगी दैट वी डिड नॉट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस. तो हम लोग घबराहट में बैंगलोर में हॉस्पिटल में फोन किया, किसी ने अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में फोन किया कि कोई वहां से ऑर्थोपेडिक सर्जन आ जाए. पर अब एक बच्चे के लिए इतनी दूर कोई 3 घंटे की जर्नी करके क्यों आता? तो इतने में एक छोटा सा लड़का मेरे पास में आया और उसने कहा सर मेरे फादर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, प्रिटी पॉपुलर ऑर्थोपेडिक सर्जन इन आंध्र प्रदेश इन विशाखापट्टनम, इफ यू टेल मैं उनको फोन करूंगा तो वो आ जाएंगे. मैंने कहा यार आंध्र प्रदेश में 12 घंटे का रास्ता है हमारे हॉस्टल तक पहुंचने का, वो कब पहुंचेंगे? उसने कहा सर आप बोल देते हैं वो आ जाएंगे. हमने उनको फोन किया, उन्होंने फोन पर डायरेक्शन दिया कि इसको हड्डी की सेटिंग करवा दी जाए ताकि वो डिसलोकेशन वाला पार्ट उसका हो जाए. वहां का जो डॉक्टर था उसने हड्डी को सेट कर दिया बट वो पेन उसका नहीं किया बिकॉज ही नीडेड अ सर्जरी. और उन्होंने कहा मैं 12 घंटे में पहुंच रहा हूँ, आप सर्जन आप अपना ओटी रेडी करके रखिएगा और मैं आके सर्जरी करूंगा. वो आदमी, उसको 5 बजे खबर मिली, उसने अपनी गाड़ी निकाली, सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल किए, 12 घंटे की जर्नी ब्रेक नेक स्पीड पे ट्रैवल करके, उन दिनों में सिर्फ फिएट और एम्बेसडर कार्स होती थी, ये सब फास्ट कार्स भी नहीं थी, वो पहुंचे हमारे हॉस्टल और थकान के बाद सिर्फ मुंह हाथ धोया और सीधे ओटी में चले गए.
दो घंटे तीन घंटे की सर्जरी के बाद जब वो बाहर निकले तो उनके माथे पर पसीना था और चेहरे पर प्रसन्नता थी, और वो बोले कि बच्चे का हाथ बिगड़ गया था, केस बिगड़ गया था, बट आई एम ग्लैड आपने मुझे बुला लिया, नाउ ही इज फाइन, ही इज ओके, यू कैन टेल हिज पेरेंट्स दैट ही इज फाइन, हमको यहाँ गुवाहाटी से आने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत खुश हुए, उसको अपने हॉस्टल में ले गए, उनको ब्रेकफास्ट दिया, कॉफी सर्व करी। तो एक लड़के ने पूछा उनसे, जो हमारे साथ एक सीनियर स्टूडेंट था, उसने कहा सर मुझे एक बात बताइए, आपको हमने फोन किया, आपने अपनी सारी प्रैक्टिस छोड़ दी, आज की आपकी सुबह की सर्जरीज भी थी वो भी आपने छोड़ दी, अब आप वापस ट्रैवल करके लेट नाइट पहुंचेंगे अपने यहाँ, कल आपको फिर काम करना है, हम आपसे पैसे पूछ रहे हैं, आप पैसे भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका कहना है कि भी मेरा बच्चा भी इस हॉस्टल में पढ़ रहा है, अगर मेरा बच्चा, इसको मेरे बच्चे को कुछ होता तो क्या मैं उसके लिए पैसे चार्ज करता आप लोगों से, ही इज लाइक माय सन, इसके पेरेंट्स बेचारे गुवाहाटी में रह रहे हैं, तो यू सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही डिड नॉट चार्ज एनी फीस फ्रॉम अस। तो हमने उनको बोला कि सर आप हमसे तो फीस नहीं ले रहे, आपने वहां भी फीस लूज करी है जहां आपकी प्रैक्टिस हुई, तो क्या आपको कोई नुकसान नहीं होता? तो जो उन्होंने बात बोली यह वाकई अपने दिल में उतारने वाले लेने वाली बात है। उन्होंने कहा पहले मुझे भी ये सेल्फ डाउट्स आते थे ऐसे कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा, सोशल सर्विस करूंगा, विलेजेस में एक्टिविटी के लिए जाऊंगा, फ्री में लोगों को देखूंगा, गरीब लोगों को, तो क्या मेरे पैसों की कमी होगी? तो ही वाज आल्सो अ डेविटी ऑफ सत्य साईं बाबा, जहां हम लोग उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा बाबा ने मुझे एक बार बुलाया और बाबा ने मुझे कहा कि बेटा तुम डॉक्टर हो, यू आर लाइक गॉड टू योर पेशेंट्स, तो जहां कोई गरीब पेशेंट आए तो अगर फीस नहीं अफोर्ड कर सकता है तो फ्री में इलाज कर देना, जहां कोई ऐसा व्यक्ति दर्द से कराह रहा हो, कोई उसका इलाज नहीं कर रहा, तुम आगे बढ़ करके कर दो, बिकॉज रिलीविंग अ पर्सन फ्रॉम पेन इज द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन बींग्स विच यू कैन डू, तो आप करो क्योंकि आपके हाथ में शफा है, आपको भगवान ने वो शक्ति दी है, आपको डॉक्टर बनाया है, और जब भी कोई फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं गरीब लोगों के लिए गांव में, तो नेवर से नो, तुम वहां जाओ और उन लोगों की सेवा करो, एंड आई एम अश्योरिंग यू, एज गुरु उन्होंने कहा, आई एम अश्योरिंग यू दैट यू टेक केयर ऑफ माई वर्क, एंड वॉट इज माई वर्क, टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, तुम इन गरीब लोगों की रक्षा करो, उनकी देखभाल करो, एंड आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर फिजिकल वर्क्स। अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि साहब मैं जब भी गया हूं कोई भी फ्री काम करने के लिए, तो अगले दिन मेरे पास एक की जगह चार पेशेंट आ जाते हैं, एक सर्जरी में मैं 25,000 मांगता हूँ फीस, तो अमीर आदमी होता है वो 50,000 दे करके जाता है, एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द मनी कम्स, मेरी सब जरूरतें पूरी हो जाती हैं, और मुझे अपने गुरु जो बाबा हैं उनकी बात पे विश्वास हो गया है कि यू डू माय वर्क एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर वर्क। और फिर उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा वो अहम किस्सा सुनाया, बोले 1982 की बात है, 1982 में एशियन गेम्स आई थी, और एशियन गेम्स के साथ इंडिया में कलर टेलीविजन का पदार्पण हुआ था, हर व्यक्ति ने अपना ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन निकाल करके कलर टेलीविजन खरीद रहे थे। डॉक्टर साहब की भी इच्छा थी कि मेरे बच्चे जब वहां से बैंगलोर से पढ़ करके आए तो हम लोग उनको यहाँ पर कलर टेलीविजन दिखाएं, तो उन्होंने कलर टेलीविजन की, एक सोनी का ब्लैक ट्रेडिट्रॉन का टेलीविजन था उस जमाने में, तो उन्होंने उसकी कीमत पूछी, तो उस जमाने में 1982 में कोई 35-40 हज़ार का था, तो उन्होंने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए कि 500 रुपए रोज के हिसाब से जोड़ू। अब एक दिन वो पैसे पूरे हो गए और उनको लगा कि भाई एक दो दिन में बाजार जाकर के बस ले आते हैं, और दिवाली के टाइम पर जब एशियन गेम्स होंगी तो हम लोग कलर टेलीविजन में पूरा देखेंगे रिले। तो उनके पास उसी दिन शाम को उनके कुछ फ्रेंड्स आए, और उनके फ्रेंड थी वो ट्रस्ट के मेंबर्स थे, और ये डॉक्टर साहब भी उस ट्रस्ट के एक सदस्य थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब यू आर सो लकी कि साईं बाबा के कॉलेजेस में साउथ में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम जैसे अलग अलग जगह सत्य साई बाबा के स्कूल्स हैं, ऐसा विशाखापट्टनम में भी एक स्कूल खोले, तो हमको एक लैंड परचेज करनी है, तो लैंड जो